लैंड टनोर एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी वन जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं इन एग्रीकल्चरल सेक्टर तो वहाँ पे एक लैंड बड़ा की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनफैक्ट विदाउट लैंड देर इज नो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और लैंड बड़ा की लैंड इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड प्रोडक्टिविटी इनफैक्ट इट इज सेंट्रल इन ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल रूरल लाइवलीहुड इन पाकिस्तान जब आप बात करते हो लैंड पॉलिसीज के रेफरेंस में तो देर आर वराइटी ऑफ लैंड पॉलिसीज एंड लॉस दैट हैज बीन क्रिएटेड सिंस ब्रिटिश रूल इन पाकिस्तान जब आप बात करें हम ब्रिटिश रूल की तो जस्ट बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन एन फिफ्टी एट

सीऑफ दिस रीजन जब आप ब्रिटिश रूल की हम बात करें तो देन देर आर टू टाइप ऑफ टू लैंड टेन्योर सिस्टम एक आपके पास लैंड टेनेंसी सिस्टम था और दूसरा आपके पास प्रेजेंट प्रोप्रोक्टर सिस्टम था जब आप लैंड लॉर्ड या जिमीदारी सिस्टम की बात करते हो तो वहां पे क्या है देर आर टू टाइप्स ऑफ द सिस्टम एक में रेवेन्यू फ्री लैंड स्टेट्स थी दूसरा नॉन रेवेन्यू फ्री लैंड स्टेट्स थी जब आप रेवेन्यू फ्री लैंड स्टेट्स की बात करते हो तो वहां टू द गवर्नमेंट लेकिन नॉन रेवेन्यू फ्री लैंड था लैंड जब हम बात करते लैंड लॉर्ड एंड सिस्टम की तो वहां पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स एक ऑक्युपेंसी टेनेंट थे कि वो क्या थे कि जो भी टेनेंट था वहां दे हैव

Which, who have in fact no legal rights, के वो जिमीदार की मर्जी पे थी कि वो तो उसको जमीन काश्त के लिए दे या ना दे और ये जो मैं बात कर रहा हूं सिस्टम दैट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अब जब आप ये जो लैंड लॉड टेनन्सी सिस्टम था अंडर जिम्मेदारी सिस्टम यहां पर मेजोरिटी ऑफ लैंड जो थी दैट इज ओन बाई दैंड ओनर्स के जो भी लैंड ओनर था वहां पर उसको वो मेजोरिटी ऑफ लैंड को रेंटेड आउट करता था कि रेंट आउट कर दिया और कल्टीवेट किया या इस लैंड को बाई शेयर क्रॉप पर के जी एक फे, के किसी को उसने जमीन काश्त के लिए दे दी और उससे रेंट ले लिया या आप कह लें कि उसने जमीन एज ए शेयर क्रॉप पर के जी वो उसके जो भी आउटपुट हो गया एग्रीकल्चर आउटपुट का उस पर उसने शेयरिंग की दीज आर द टू टाइप्स ऑफ दैट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द जमींदारा सिस्टम लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात कर पाकिस्तान के रेफरेंस में अगर बात करें तो इन पाकिस्तान देर आर थ्री दे मेजर लैंड रिफॉर्म्स, में 1959 एंड 1977 और इन लैंड रिफॉर्म्स का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव इज टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड फ्रॉम लार्ज लैंड ओनर्स टू स्मॉल लैंड ओनर्स आर लैंडलेस पीपल अगर हम 1959 की लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो वहां पे आप कह लें एक कंडीशनलिटी इंपोज की गई कि जो आपकी नहरी जमीन है कोई भी जमींदार 500 हंड्रेड एकड़ से ज्यादा लैंड होल्ड नहीं करेगा अंडर इरीगेशन सिस्टम जो आपके पास बरानी एरिया था वहां पे आप कह लें ये जो लिमिट थी दैट इज अराउंड 1000 थाउजेंड एक नाइनटीन सेवनटी टू की जो रिफॉर्म्स हुई वहां पे ये रिस्ट्रिक्ट लगा दी गई रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी गई कि जो भी आपके पास मैक्सिमम लैंड होल्डिंग दैट कैन बी हेल्पीदार दैट इज इक्वल टू हंड्रेड एकर्स और जो आपके पास एरिया था जो आपके पास बारानी एरिया था वहां परिमिट को रखा गया थ्री हंड्रेड एकर्स मेजर ऑब्जेक्टिव था इन लैंड रिफॉर्म्स का दैट इज द रिडिट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम लार्ज लैंड ओनर टू स्मॉल लैंड ओनर टू स्मॉल लैंड ओनर आर लैंडलेस पीपल और जब हम नाइनटीन की लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो नॉट लैंडेड इन पाकिस्तान no जब ये की गई तो वहां पे आप कह रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन थी जिम्मेदार की वो क्यों कौन सी लैंड एरिया अपने पास होल्ड कर रहा है टू मेक जो भी उसके पास टोटल लैंड एरिया था उसमें से वो कौन सी लैंड गवर्नमेंट को दे रहा है अंडर द लैंड रिफॉर्म्स और यूजली जिम्मेदारों ने क्या किया था जो उनके पास अनफर्टाइल पीसिस ऑफ लैंड थे वो उन्होंने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी है कि यू कैन ट्रांसफर दिस लैंड लैंड टू द लैंडलेस आर स्मॉल होल्डर्स तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इन पाकिस्तान जब हम पाकिस्तान के रेफरेंस में बात करते हैं लैंड ओनरशिप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की तो ये जो लैंड है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओनर ओनर कम टेनेंट एंड टेनेंट के जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मस हैं इसका एटी टू परसेंट क्या है ऑनर ऑपरेटेड फॉर्मस और 7 परसेंट जो नंबर ऑफ हैं दैट आर ओनर कम टेनेंट क्या जी वो कुछ स्मॉल एरिया पे एज अ ओनर भी हैं और कुछ एरिया पे दे आर वर्किंग एज अ टेनेंट और अप्रोक्सीमेट इलेवन परसेंट फॉर्म ऐसे हैं जहां पे आप कह लें फार्मर आर टेनेट जब आप फॉर्म एरिया के रेफरेंस में बात करोगे तो अप्रोक्सिमेटली फाइव परसेंट ऑफ फार्मेड बाई ऑपरेटेड बाई अप्रोक्सीमेटली आर द फार्मर टेनेट